मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। इधर आजा, आधी इधर आजा, आधी 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 इधर आजा, आधी ना। अच्छा, घासलेट बंदर में कहा क्या हुआ था? या एक्चुअली इस फिल्म के दौरान काफ़ी चीज़ें हुए थे मेरे साथ। पहले तो गश्मीर के साथ वो जो सीन था जहाँ पे वो क्रेट गिरा था उसके सर पे, आई ऑल्सो गॉट अ फ्यू स्क्रैचेस एंड थिंग्स, क्योंकि हमारी जो एक्शन डायरेक्टर सर हैं उनको बहुत रियलिस्टिक, और हादी सर को बहुत रियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंस चाहिए था, कि नॉर्मली हम फिल्मों में देखते हैं एक्शन थोड़ा सा कोरियोग्राफ लगता है, बट दिस इज़ अ वेरी रॉ फिल्म, और एक इंस्पेक्टर और एक गैंगस्टर के बीच में लड़ाई जब हो रही है तो इट शुड लुक रियली रॉ। तो उन्होंने बेसिक कोरियोग्राफी समझाई हमें, और हम लाइव लोकेशन में शूट कर रहे थे इन द मिडल ऑफ अ फिश मार्केट, सो देयर वाज ऑब्वियसली नो प्रेपरेशन इन टर्म्स ऑफ कि प्रॉप्स ऐसे होंगे, यहाँ पे रखे जाएंगे। द आर्टिस्ट ऑल्सो एक्चुअली रियल जो मच्छी बेचते हैं वो औरतें थी वहाँ पे, सो देयर वाज नो एक्टर्स। So we actually just did one dry rehearsal, aur uske baad we did a take, and I think Gashmeer and I should take a bow, because it was one of the most rawest action sequences I've shot in my entire life, and it was difficult and we pulled it off. We had a few scars and injuries, but that's part and parcel of the game. Ghasleet Bandar mein I'm not exactly remembering kya hua. To yahi pe aa jaiye sir, ye hai hamare director saab, ladies and gentlemen, the man with the cutest cheeks but a tough task master. भाई इनको याद दिला देना वो the time when you had to jump from the barge. हाँ अच्छा, हाँ तो उसी की बात कर। हाँ yes, चेक में 10 रुपए कम दे देना। तो हाँ, एक फिर से एक एक्शन सीक्वेंस था जहाँ पे सिद्धांत प्रभु, इंस्पेक्टर सिद्धांत प्रभु, इन दोनों के प्यार के बीच में आ जाता है कबाब में हड्डी बन के। मैं गश्मीर राजा को ढूंढ रहा हूँ, और मैं अपने पुलिस फोर्स के साथ आता हूँ, एक एक शिप के ऊपर, एक बार्ज के ऊपर मैं हूँ अपने फोर्स के साथ, और मुझे एक्चुअली जंप करना था ऑन टू द डॉक, जो काफ़ी दूर था। द गैप बिटवीन जहाँ पे शिप एंकर्ड थी और जहाँ पे डॉक था वाज क्वाइट वाइड, और बिकॉज द टाइड वाज कमिंग इन द शिप वाज मूविंग लाइक दिस, और जब हम शॉर्ट के लिए वेट कर रहे थे तो हम लोग ऐसे ही वैसे भी, यू नो, एट टाइम्स वी जस्ट लाइक दिस बिकॉज इट वाज शेकिंग सो मच। तो आई लुक्ड एट माई फोर्स, मेरे पुलिस फोर्स में जो हमारे जूनियर आर्टिस्ट थे, आई मीन आई लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देम, बट सम ऑफ देम थोड़े से बुजुर्ग थे और पेट थे ऐसे, और हाथ में बड़े बड़े राइफल्स थे, मेरे हाथ में सिर्फ एक रिवॉल्वर था। तो मैंने कहा ये तो मैं, आई एम फाइंडिंग दिस डिफिकल्ट फॉर मी टू डू, ये लोग कैसे करेंगे? ठीक है, जो भी है वो उनकी मर्जी है, वो करेंगे। आई जस्ट सेड यू नो जस्ट बी केयरफुल, आप देख लो, अगर आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो शॉट आई थिंक विल गेट कट आफ्टर आई जंप ऑफ। तो हाँ, पहले टेक में आई ऑलमोस्ट स्किप्ड, देयर वाज अ लिटिल आल्सो 3-4 inch काइंड ऑफ अ बॉर्डर ऑन द शिप व्हिच माई लेग हिट दैट, माई टोज हिट दैट, एंड आई ऑलमोस्ट ट्रिप्ड ओवर, and but luckily I think I managed it, and I don't know, I haven't seen the scene, I haven't seen the edit, do I look like a fool? No, I don't. Okay, yeah, so I almost fell into the sea, but I think in the end of it was managed quite well. And you're alive and kicking. I'm alive. I'm so happy you're alive, brother. And most importantly, I must tell you, jis tarike se tum apne scenes ko explain kar rahe the, I was reliving it. Boat ka ye wo sab cheez ke wo wapas karke dekha na, boat kaise hil raha tha. Really bro, thank you so much man, thank you. Give it. सर आपको वाकई में जायंट है सर। दिल से बहुत छोटा हूँ सर। हाँ? दिल इट्स स्मॉल, आई एम स्मॉल मैन, मे बी द बॉडी इज ह्यूज, नो बट आई एम श्योर योर हार्ट इज वेरी वेरी स्मॉल, नो आई थिंक योर हार्ट इज वेरी वेरी बिग सर, यू कैन अकोमोडेट अ लॉट ऑफ पीपल इन दैट, आई बीन टोल्ड यू हैव अ लॉट ऑफ लव टू गिव, गिव इट फॉर द जेंटल जायंट प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल द पीपल हु आर टॉल एंड स्ट्रांग आर द सॉफ्टेस्ट इन द हार्ट दैट आई नो। फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि यू आर प्लेइंग अ मराठी कैरेक्टर, राइट? यू हैव डन रॉ एक्शन एंड यू ऑलमोस्ट गॉट हिट ऑन द नोज बाय दिस गाय, ऑलराइट? तुम क्या क्या करते रहते हो भाई? एंड दिस वॉज अ सीक्वेंस इन द डांस बार, राइट? आप एक्चुअली ब्लीड कर रहे थे, वाकई में ऐसा हुआ? यस सर, इट उसके बारे में बताइए ना प्लीज। बट इट इज ऑल पार्ट ऑफ द वर्क व्हाट वी आर डूइंग बिकॉज यू आर इन्वॉल्व इन द कैरेक्टर, so I appreciate because when I did Vastav, when I did that first shot, I bled it that time and it became a Vastav. Wow. And I hope this becomes a Dongri.
So that means jab ye bleed karte sir, ek to it was so nice jab Anna, can I call you Anna? Superb. Anna was saying that an actor of your stature always had his hand on his shoulder. At this stage, when you've achieved so much, mere bhai, do you feel more than your own performance, it's about giving to others a part of yourself? Do you feel like that? Siddharth, yeah, all the people no, from the media, jo mujhe jante hain pehle se, maine hamesha ye kaha hai ki main विजनरी नहीं हूँ, मैं एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूँ, तो तू मेरे से इंटेलिजेंट सवाल मत किया सर. स्लैपस्टिक फिल्म होती तो वो भी कर लेता सर. मैं थोड़ा थोड़ा समझा मैं तू क्या पूछ रहा है. बट आई लाइक टू से इट्स आई एम थैंकफुल टू हिम दैट ही हैज सेड दोज वर्ड्स फॉर मी. बट ये जो सड़क है ये टू वे स्ट्रीट है. हाँ जी. तो आपने भी कहा मैं सेंसिटिव हूँ. अब जहाँ से प्यार मिलता है वहां प्यार लौटाना तो पड़ता ही. ऑफ कोर्स. जैसे मैंने कहा यू आर ऑलवेज अ टीम प्लेयर. मुझे बताया गया था कि एक सीन था जहां पे शूटिंग रुक गई थी बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन यू एंड हादी. एंड देयर वाज लिटरली अ पॉइंट जहां पे तू तू मैं हो गई. आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग था. डू यू वांट टू टेल अस एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड? नहीं, मैं कौन से वाले सीन में, क्योंकि हर सीन में ऐसा होता है. कितना झगड़ा करता है यार आदि. ये वो टेरेस वाला सीन था विच इज योर हाउस इन द फिल्म. अच्छा, वो वाला. हाँ, वो मतलब हर सीन में हुआ है. लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जो बातें होती ना, किताब, जैसे कि किताब, पुस्तक या चलचित्र, कोई मूवी जो शुरू होती है और खत्म हो जाती है, एंड यू आर लेफ्ट वॉन्टिंग मोर. आपको पता ही नहीं चलता ये कब शुरू हुई, कब खत्म हो गई, और आप इट लीव्स अ मार्क ऑन यू. यू माइंड इफ आई कॉल हिम ऑन स्टेज? ऑफ कोर्स, प्लीज यार, आ जाओ. आप ही फिल्म है यार. द कैप्टन ऑफ द शिप, लेडीज एंड जेंटलमैन, हादी अली अब्लाउ. आई लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस मैन. यस, ही हैज हिज ओपिनियन, और ये अपनी जो बात है वो रखने का तरीका इनका जो है वो इतना निराला है दैट फ्रॉम माय फर्स्ट डे टू माय लास्ट डे, शूटिंग कब खत्म हुई मुझे पता ही नहीं चला. और मैं जब डबिंग करने गया तो यहाँ हमारे प्रोड्यूसर साहब है रवि जी, उनको मैंने बोला क्या एक आध दिन में हो जाएगा, एक नहीं दो दिन में हो जाएगा, और डबिंग चल ही रही है. एंड आई टोल्ड हादी, तूने इतना काम निकाल लिया पता ही नहीं चला. I think that's the mark of a great director, where you enjoy yourself so much on the shoot. आपको shoot करते हुए इतना मजा आता है, और वो actor और director ही क्या जिनके बीच तकरार ना हो. Thank you, Hadi. We all want to thank you. You've made a fabulous film. और दिल से हम सब आपको. Let's once clap for Hadi. Way to go, Hadi. Absolutely. Ronit, I request you to take your seat, please. बैठ जाइए. Achha, you want to stand on the directors there. Kya baat hai? This is actually called respect, huh? Yes, thank you so much, Ron sir. Thank you very much. Oh, bhai bhai ho to aise. Kya baat hai? The one thing I want to tell you, the nickname on our set for this man is genius. Genius, huh? And that's what we all call him. Pagle rulaega kya? Yaar, you've been an an assistant director to Ashutosh Gwarekar. You worked with Dharmesh Darshan ji as well. And us samay bhi mujhe yaad hai when Ashutosh once told me also ki is bande mein bahut potential hai. All right, give it up for that, because we can see that being reaped today, ladies and gentlemen. Thank you so much. To jab season campaigners hote hain like Ronit Roy, aur jab new performers hote hain like both our leading cast members, aap batao, to blend experience with new actors, is it tough? Balance karna mushkil hota hai? The key is ki ek reading kar lo before the scene starts, ek chemistry build kar lo scene ke liye, and I think
उसके बाद डायरेक्टर को कुछ करने की जरूरत नहीं सिवाय ये बोलने के लिए स्टार्ट साउंड एक्शन दैट्स इट एंड दैट्स व्हाट माय एक्टर्स हैव गिवन मी आई एम सो प्राउड ऑफ देम आई एम सो प्राउड ऑफ देम दे हैव नेवर सेड नो टू मी एंड दैट्स व्हाट अ डायरेक्टर ऑलवेज वांट्स सो दिस इज व्हाट इट इज इफ आई आस्क्ड यू ऑल योर एंटायर टीम मेंबर्स आर हियर व्हाट इज द वन थिंग यू वांट टू टेल देम नाउ यू हैव गिवन योर ब्लड स्वेट योर इमोशंस टू दिस फिल्म व्हाट डू यू वांट टू टेल देम नाउ व्हिच यू नेवर सेड बिफोर I love you guys. पहले कभी I love you so very much. कभी नहीं बोला. कभी नहीं बोला. Individually सबको I love you बोलो. छह बार. Come on. आँखों में आँख डाल के बताओ. नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते.